हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल ज्ञान गुंजन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड में आपका कोई भी सर्टिफिकेट बन गया है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और उसमें आपका कोई भी चीज़ ऐसे गलत हो गया, जैसे कि नाम, फादर्स नेम या एड्रेस या और कुछ भी आपका गलत हुआ है, तो उसमें आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप जहार सेवा का सर्विस लेना चाह रहे हैं, जो जहार सेवा का कियोस्क आईडी होता है, तो वो भी आप कैसे ले सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप ये सब जानना चाह रहे हैं कि जहार सेवा में कैसे सुधार होता है, जैसे कि नाम, फादर्स नेम या एड्रेस और वगैरह वगैरह चीज़ का कैसे सुधार किया जाता है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में सारा डिटेल आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं हम अभी अपना गूगल के क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए हैं। आपको सिंपली गूगल के सर्च बार में टाइप कर लेना होगा जहार सेवा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप टाइप कीजिएगा जहार सेवा डॉट झारखंड डॉट जी ओ वी डॉट इन, तो आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसको आप नीचे ऊपर स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ऐसा आप लोग के सामने इंटरफेस शो होगा। तो आपको सिंपली सबसे पहले जहार सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप इस वाले साइट पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करके जो भी आपका जहार सेवा का कियोस्क आईडी पासवर्ड होगा उसको लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए यहाँ से हम अपना आईडी पासवर्ड को लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं हम अपना आईडी को जहार सेवा के पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिए हैं। यहाँ देखिए मेरा नाम शो हो रहा है, देखिए यहाँ मेरा स्टेट भी शो हो रहा है। और चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको हम बता दें कि कैसे आप जाँच करें कि जो आपका आईडी है वो सिटीजन आईडी है या कियोस्क आईडी है। तो उसके लिए आपको यहाँ सिंपली क्लिक करना होगा मैनेज प्रोफाइल वाले सेक्शन पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं व्यू प्रोफाइल कियोस्क और एडिट प्रोफाइल सिटी कियोस्क। अगर आपका ये सिटीजन आईडी रहता तो यहाँ मैसेज आता व्यू प्रोफाइल सिटीजन और एडिट प्रोफाइल सिटीजन। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ से भी आप जाँच कर सकते हैं कि जो आपका आईडी है वो कियोस्क आईडी है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि कैसे अगर आपका इसमें किसी चीज़ का गलत सर्टिफिकेट इशू हो गया तो कैसे आप उसका करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करेक्शन करने का इसमें कोई सुविधा अभी नहीं दिया गया है। जैसे कि फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर आप एक कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट में कैंडिडेट का फादर्स नेम गलती हो गया है और वो सर्टिफिकेट आपका डिलीवर हो चुका है, तो आप उसको करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, उसके लिए फिर से आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले सेक्शन पर जाना होगा और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज वाले सेक्शन पर जाना होगा। और आप जो भी सर्टिफिकेट गलत हुआ होगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ मेरा आईडी लॉग आउट हो गया है। चलिए इसको दोबारा से हम लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। दोबारा से अपना आईडी फिर से लॉगिन कर लिए हैं। फिर आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑल अवेलेबल सर्विसेज वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ से हम क्लिक कर दिए हैं और जितना भी आपका यहाँ लिस्ट होगा सब आपके सामने शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ सारा का लिस्ट आपको शो कर जाएगा। और आपका जो भी सर्टिफिकेट में गलत हुआ होगा, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट आपको दोबारा से ऑनलाइन कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से अगर आपका जहार सेवा में किसी भी तरह का गलती हो जाता है, जैसे कि नेम, फादर्स नेम या एड्रेस या और भी कोई चीज़, तो आप इसी तरह से उसका करेक्शन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप जहार सेवा का कियोस्क आईडी लेना चाह रहे होंगे तो देखिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा। इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके सारा डिटेल्स आप ले सकते हैं कि कितना का आपको जहार सेवा का आईडी मिलेगा, क्या क्या डिटेल्स देना होगा और कितना आपको चार्ज देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।